किसानों के हक में भी श्रोमणी अकाली दल लगातार डटिया होया है। अज वरदे मीह दे विच भी अकाली दल बसपा ने किसानों के हक में मुजहरा किया। संसद के बाहर हाथों से तख्तियां फड़ के रोस जाहिर किया गया। सुखबीर सिंह बादल ने सरकार ते किसानां ते आम लोगों की गल संसद च ना चुकण देण दे इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र के सब तो वड्डे लोकतंत्र सब तो वड्डा तानाशाह देश बना दिता। देश इंदिरा गांधी वालों लाई एमरजेंसी तो भी माड़े हालात हुण बन गए ने, क्योंकि विरोधी पार्टियां नूं लोगों की गल ही नहीं करन दित्ती जा रही, किसानों की गल ही नहीं करन दित्ती जा रही। लगातार सत्तवें दिन तुहानूं दस दईए किसानों के मुद्दे के उत्ते खेती कानूनों के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल वालों बसपा वालों जो है ये मुजहरा किया। We have been forcing within the house and outside. Within the house, they don't listen. They purposely suppress the voice of the people. Outside the house, we are standing here from the day one till now. We are standing here. It doesn't bother the government. It seems as if they have on a dictatorship mode, not a democracy. We are supposed to be called the biggest democracy, largest democracy in the world. I think now it's become the largest dictatorship in the world. Where one dictator is trying to crush the voice of the people, which is against the basic spirit of the constitution. People's voice has to be heard. In parliament, they're crushing the voice. Outside parliament, they're crushing the voice. This is not accepted. PM is himself stalling the work. PM wants the session can start immediately, just now in 1 minute. He's my main culprit of stalling the work. He just has to order case, all the laws withdrawn. We can have another discussion after that on that, but he should first withdraw all the laws. वो उनको चूज करते हैं जो अब उनके यस मैन है। स्पेस कहाँ दिए उन्होंने? जो लेडीज हैं उनकी आवाज कुचली जा रही है बीजेपी सरकार में। लोग आप जाके देखें किसान आंदोलन में कितनी लेडीज बैठी हैं, उनके घर छोड़ के बैठी हैं। क्या उनकी आवाज को समझा जा रहा है? जो गरीब संघर्ष कर रहे हैं, जो लेडीज घर में संघर्ष कर रही हैं, आज इतनी महंगाई हो गई, आज डीजल कहाँ से कहाँ चला गया, क्या बीजेपी सरकार उनकी बात सुन रही है? किसी की नहीं सुन रही। अंबानी और अडानी के बगैर किसी की आवाज़ यहाँ देश में नहीं है सुनी जा रही। डिक्टेटरशिप है यहाँ, बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। आवाज़ कुचलने का काम किया जाता है। किसान की आवाज़ कुचल दी, गरीब की आवाज़ कुचल दी, बचा कौन है यहाँ? व्यापारी रो रहा है, सारा बिजनेस ठप हो गया है। प्रेस की आज़ादी पहली बार देश में है, प्रेस की आज़ादी को कुचला जा रहा है। फोन टैपिंग हो रहा है, हर ऐसा हो रहा है जैसे मार्शल लॉ होता है। कहाँ, जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लेके आई थी इंदिरा गांधी, वैसा माहौल, उससे भी सख्त माहौल आज देश